स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण के विरोध में यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने गुरुवार से 24 जुलाई तक पूरे कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर मांगों को पूरा करने की मांग की है। जिसके संबंध में एसोसिएशन के सुधांशु श्रीवास्तव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरण की कोई पॉलिसी नहीं बनी थी। 2018 के स्थानांतरण के आदेश पॉलिसी को लेकर निदेशक प्रशासन ने स्थानांतरण किए हैं, वह असंवैधानिक है। इस महानिदेशक परिवार कल्याण के संवर्ग के अंतर्गत करीब 20,000 कर्मचारी हैं, जिनका पदोन्नत हुआ उनका ट्रांसफर नहीं किया गया, केवल लिपिक संवर्ग का ट्रांसफर किया गया। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग किया है कि जिस तरह महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं महानिदेशक परिवार कल्याण ने एक भी ट्रांसफर नहीं किया है, उसी तरह निदेशक प्रशासन बाबू संवर्ग का स्थानांतरण निरस्त कर दे, ताकि एक स्वस्थ वातावरण में हम लोग काम कर सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के संरक्षक सुधांशु श्रीवास्तव ने कहा, कुंवर सुधांशु श्रीवास्तव संरक्षक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कर्मचारी परिसंघ जनपद शाखा गोरखपुर। स्थानांतरण की कोई भी पॉलिसी नहीं बनी थी। 2018 के स्थानांतरण आदेश की पॉलिसी को लेकर के निदेशक प्रशासन महोदय ने जो स्थानांतरण किए हैं, वो स्थानांतरण एकदम असंवैधानिक है। इस महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं महानिदेशक परिवार कल्याण संवर्ग के अंतर्गत करीब 20,000 कर्मचारी हैं, जिनका ट्रांसफ़र नहीं किए गए, केवल बाबू संवर्ग का ट्रांसफ़र किया गया, जो कि नियम विरुद्ध है। सबसे बड़ी बात यह है कि पति पत्नी अगर सरकारी सेवा में हैं तो उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिनके बच्चे विकलांग हैं या जो विकलांग हैं उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। तमाम सरकारी कर्मचारी हैं जिनका रिटायरमेंट 1 साल या 6 महीना बाकी हैं, उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जिनके माता पिता असाध्य रोग से ग्रसित हैं, उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ जो महिला लिपिक हैं, जिनके जो मृतक आश्रित हैं, उनके पति तो पहले ही मर गए बेचारे, और वह महिला लिपिक करीब 80% जो विधवा हैं, उनका भी ट्रांसफ़र 1,000 किलोमीटर दूर कर दिया गया। क्या मांगे आपकी? हम लोग की मांगे हैं कि बाबू जैसे महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य और महानिदेशक परिवार कल्याण ने सारे ट्रांसफ़र को एक भी ट्रांसफ़र नहीं किए, उसी तरह निदेशक प्रशासन जो है बाबू संवर्ग का स्थानांतरण निरस्त कर दें, और ताकि एक स्वस्थ वातावरण में हम लोग जो है काम कर सकें।